मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि नींद में अपने आसपास एक मास्क वाले लड़के को देख रहा था जिससे वो काफी डर भी रहा होता है। पर तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसके सामने होती है सूफी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम चैंग है और सूफी उसकी दोस्त होने के साथ साथ ड्रामा कंपनी में उसकी को डायरेक्टर भी थी। पर किसी वजह से चैंग 4 साल पहले ही डायरेक्टर की नौकरी छोड़ चुका था, इसीलिए सूफी उसे मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो बहुत ही सीरियस होकर चैंग को बताती है कि डू हाओयांग वापस आ चुका है। और ये बात सुनकर चैंग काफी ज्यादा डर जाता है, वो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। पर सूफी चैंग को बताती है कि वो अपने कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स के साथ वही ड्रामा तैयार कर रही है जो कि उन्होंने 4 साल पहले अपने ड्रामा क्लब में किया था। पर वो अब जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रही थी वो लोग कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज अपने आसपास महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से सूफी चैंग से हेल्प मांगने के लिए आई हुई थी। वो उसे समझाती भी है कि वो भला अपने पास से कब तक भागता रहेगा, जिस वजह से चैंग कुछ सोचने के बाद सूफी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रिहर्सल हॉल की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर चैंग सूफी को बोलता है कि वो अपने स्टूडेंट से कोई और ड्रामा भी प्ले करवा सकती थी, तो उसने भला यही ड्रामा क्यों चूज किया जिसका उन्होंने 4 साल पहले प्ले किया था। जिस बात का जवाब सूफी उसे नहीं देती और अंदर चली जाती है। पर जब चैंग अंदर जाने लगता है तो उसे बाहर लगे प्ले के पोस्टर पर वापस से वही मास्क वाला लड़का दिखता है, जिसे देखकर चैंग डर जाता है और खुद को शांत करके अंदर जाता है, जहां सूफी उसे लिली नाम की लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है। और लिली उस ड्रामा क्लब की इंचार्ज थी जो कि सारा काम खुद ही संभालती भी थी। फिर ये लोग स्टूडेंट्स को प्ले की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उसी वक्त स्टेज पर खड़ी एक लड़की को बैक स्टेज में किसी की शैडो दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है। और अब सारे लोग वहां से बैक स्टेज की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें दीवार पर खून से बना हुआ हैंड प्रिंट दिखता है। यहां से फिर ये सभी लोग अपने एक्टिविटी रूम में जाते हैं, जहां पर सभी काफी टेंशन में थे। और एक स्टूडेंट बोलता है कि उन्हें अपनी रिहर्सल ही थोड़े दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए। पर सूफी उन सभी को शांत करती है और कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, और उसने हेल्प के लिए यहाँ पर चैंग को भी बुलाया है जो कि सब कुछ ठीक करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जब चैंग अपने घर आ जाता है तो वहाँ पर उसे वापस से वही मास्क वाला लड़का सपने में दिखाई देने लग जाता है। पर तभी सूफी की कॉल करने पर उसकी आँख खुल जाती है, जो कि उसे जल्दी से थिएटर में आने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ वापस से अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। अब चैंग एक बार के लिए तो उसे वहाँ पर आने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो वापस से इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता था। पर तभी उसे वो मास्क वाला लड़का अपने रूम के अंदर दिखाई देता है, जिसे देखकर चैंग अपनी ड्रॉअर से एक स्पिरिचुअल नेकलेस निकाल कर सूफी की मदद करने के लिए चला जाता है। चार रास्ते में भी उसे अपनी कार के अंदर वही लड़का दिखता है, जिस वजह से चैंग का एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब जैसे ही वो थिएटर पहुंचता है तो सूफी उसे बताती है कि उसने वापस से किसी की आवाजें सुनी जो कि बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। वो यहाँ पर उसे गांव से भी मिलवाती है, पर तभी स्टेज के पीछे से वही मास्क पहना हुआ लड़का बाहर आता है, जिसे देखकर चैंग भागकर स्टेज पर जाता है और बोलता है कि वो भला उसे चाहता क्या है। पर तभी वो लड़का अपना मास्क हटाता है। असल में ये पर्सन ड्रामा क्लब का एक मेंबर था, जो बताता है कि उसे ये मास्क एक्टिविटी रूम से मिला और ये मास्क उसकी कॉस्ट्यूम पर भी सूट हो रहा था, इसीलिए उसने लगा दिया। चैंग और सूफी भी वो एक्टिविटी रूम में चेक करने के लिए जाते हैं कि कहीं किसी ने वो मास्क वहाँ पर जानबूझ के तो नहीं रखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। चैंग फिर सूफी से अपनी पुरानी दोस्त शेन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका सब लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स कर्ज की बात कर रहे थे क्योंकि बीते दिनों से उनके साथ काफी अजीब चीजें हो रही थी, और इसका पता लगाने के लिए वो रात को पुराने रिहर्सल हॉल के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर एक एक्सीडेंट से पहले रिहर्सल हुआ करती थी पर हॉन्टेड होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। अब ये लोग उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते ही न्यूज़ मिलती है कि उनके एरिया में एक भागा हुआ प्रिजनर घूम रहा है, जिस वजह से वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं। पर फिर भी उन्हें उनके साथ हो रहे अजीब चीज़ों के बारे में पता लगाना था, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब ये सभी लोग एक एक पार्टनर चूज करके अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और पूरी बिल्डिंग में छानबीन करने लगते हैं। जब ये बात सूफी को पता चलती है तो वो भी चैंग के साथ बिल्डिंग में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ऊपर वाले फ्लोर से कोई गांव और उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर फेंकता है, पर गांव की सही टाइमिंग पर साइड होने की वजह से उसके हाथ पर बस थोड़े से स्क्रैच आते हैं और वो बच जाता है, जो देखकर चैंग और सूफी जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, पर वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद ही सारे स्टूडेंट्स को भी बाहर लेकर आते हैं, पर लिली और उसके फ्रेंड के बारे में किसी को पता नहीं था, जिस वजह से सूफी और चैंग वापस से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहां पर चैंग को वही मास्क लड़का वापस से नजर आता है। इधर इन्हें लिली और उसका फ्रेंड भी बेहोशी की हालत में मिल जाते हैं, और जब उन्हें होश में लाया जाता है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उन्हें वहाँ पर किसने बेहोश किया, जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और चैंग को यहाँ गांव में कुछ अजीब लगता है, वो सूफी से अगले दिन इस बारे में पूछता भी है, पर सूफी को कुछ भी पता नहीं था।
जिसके बाद ये लोग रिहर्सल देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर चैंग और सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे कि सभी लोग भाग के एक्टिविटी रूम में जाते हैं। और वहाँ पर गांव की गर्लफ्रेंड एक डम्मी से डर गई थी, क्योंकि उस डम्मी को किसी ने तोड़कर उस पर रेड पेंट लगा रखा था। अब यहाँ पर सभी लोग काफी तरह डर चुके थे और कर्ज की बातें करने लग जाते हैं कि वो जो ड्रामा प्ले करने वाले हैं उसमें हीरो का रोल कर्ज्ड है और जो भी वो रोल प्ले करता है उसकी मौत हो जाती है। अब उन्हें यहाँ पर 4 साल पहले हुए आत्महत्या के बारे में भी पता चल जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि डूहाओ यांग ही था, जिसने की हीरो का रोल प्ले किया था और परफॉर्मेंस के बीच में उसने आत्महत्या कर ली थी। जिस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर चैंग की गलती निकालने लग जाते हैं कि उसने डूहाओ को जानबूझकर वो कर्ज वाला रोल दिया क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करता था। पर ये सुनकर सूफी उन सबको शांत करवाती है और कहती है कि 4 साल पहले पुलिस अपना काम कर चुकी है, तो अब वो लोग सिंसियरली अपनी रिहर्सल करे। चैंग भी अब हार मानकर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब वो उन लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता था। पर सूफी उसे यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाती है शेन से मिलवाने के लिए। शेन भी उनकी ड्रामा क्लब की मेंबर थी और वो डूहाओ की गर्लफ्रेंड भी थी, जिसकी मौत के बाद शेन काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में थी। चैंग अब यहाँ पर उसे सारी बातें बताता है तो शेन भी उसकी हेल्प करने के लिए थिएटर में वापस आने के लिए मान जाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद चैंग रास्ते में सूफी से ड्रामा क्लब में कौन कौन कपल्स है इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसके सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर गांव थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स चेंज करता रहता है। अब अगले दिन चैंग और सूफी के साथ शेन भी रिहर्सल हॉल में जाती है, जहां पर वो सभी लोगों के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है और चैंग बोलता है कि अब वो सभी उन लोगों के साथ हो रही चीजों को सॉल्व करेंगे और उनके सारे सवालों के जवाब देंगे। फिर चैंग छुपकर बैक स्टेज पर लगे कंप्यूटर से हार्ड डिस्क भी चुरा लेता है और उसने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब रात में जब सभी लोग रिहर्सल हॉल से चले जाते हैं तो उनके पीछे वहां पर एक और इंसान कंप्यूटर में कुछ करने के लिए आता है और चैंग के वहां पर आने से पहले ही भाग जाता है। अगले दिन चैंग शेन के साथ बैठा हुआ था, जहां वो उसे अपने बुरे सपनों के बारे में बताता है कि उसे रोज अपने सपने में डूहाओ हॉन्ट कर रहा था, जिसके बाद ही दोनों रिहर्सल देखने के लिए जाते हैं, जहां पर सूफी भी थी। पर तभी चैंग को स्टेज पर कुछ टूटने की आवाज़ आती है तो वो गाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को स्टेज से नीचे बुलाता है। पर जब वो लिली को स्टेज से नीचे लेने के लिए जाता है तो स्टेज के ऊपर एकदम से लाइट गिर जाती है, जिसमें वैसे तो कोई भी इंजर्ड नहीं होता, पर ये सब होने की वजह से चैंग सभी लोगों को प्रैक्टिस से ब्रेक लेने के लिए कहता है। और सभी लोगों के चले जाने के बाद हॉल में सिर्फ चैंग और शेन ही बचे हुए थे। तभी हॉल की सारी लाइट्स फ्लक्चुएट होने लग जाती है और उन दोनों को डूहाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन्हें वही बातें बोल रहा था जो कि उसने मरते वक्त स्टेज पर बोली थी। ये सुनकर शेन बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए चैंग को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है और जल्दी सूफी भी वहां पर पहुंच जाती है, जहां डॉक्टरों ने बताते हैं कि शेंग किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गई है और उसे वापस एक ट्रॉमा का अटैक आया है। ये सुनकर शेंग को काफी ज्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि उसने क्यों शेंग को वहां पर बुलाया। सूफी भी अब चैंग के पास आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि 4 साल पहले जब वो भी अपने प्ले के लिए रिहर्सल करते थे, तब शेन ने डूहाओ से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी, पर उस ब्रेकअप से डूहाओ काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसे नहीं पता था कि शेन ने किस इंसान के लिए डूहाओ से ब्रेकअप किया, पर चैंग बताता है कि उसने उसी की वजह से डूहाओ से ब्रेकअप किया था क्योंकि चैंग भी असल में शेन को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो चाहता था कि डूहाओ शेन से दूर हो जाए। और असल में भी ऐसा ही हुआ, जब ये लोग सभी के सामने प्ले परफॉर्म कर रहे थे तो डूहाओ ने ऊपर चढ़कर अपनी रस्सी खोल दी और वो ऊंचाई से मारा गया क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि शेन ने उसे ब्रेकअप असल में चैंग के लिए किया था। घर जाकर चैंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और उसे डूहाओ का गोश्त भी बार बार नजर आ रहा था, पर तभी उसे एक पार्सल आता है और उसमें एक पेन ड्राइव थी जिसे चैंग अपने लैपटॉप में लगाकर चेक करता है, जिसमें उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि वो जल्दी से सूफी को रिहर्सल हॉल में मिलने के लिए कहता है। और जब ये लोग रिहर्सल हॉल के बाहर मिलते हैं तो चैंग उसे मेन डोर से अंदर ना जाकर पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे तो अचानक वहां की लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाती है और ब्लैक ड्रेस में एक आदमी उन सभी लोगों के सामने आता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी चैंग स्टेज की लाइट ऑन कर देता है और सबको बताता है कि जिससे वो लोग डर रहे हैं वो सिर्फ एक पुतला है। अब वो सभी के सामने डूहाओ की आवाज की रिकॉर्डिंग भी प्ले करता है, जिसके साथ वो ये भी बताता है कि असल में ये सब चीजें उनकी एक फ्रेंड लिली कंट्रोल कर रही थी और वही सबको डरा रही थी। चैंग ये भी बताता है कि लिली ही रात को डूहाओ की रिकॉर्डिंग भी डिलीट करने के लिए आई थी, पर उससे पहले ही चैंग ने कंप्यूटर को पेन ड्राइव से कनेक्ट कर रखा था, जिसने की उससे उस फाइल को रिस्टोर कर लिया। और पहले दिन जब वो यहाँ पर आया था तब वो खून का हाथ भी लिली ने ही वहां पर बनाया था, क्योंकि जब चैंग लिली के पास बैठा हुआ था तो उसे लिली के हाथ से पेंट की स्मेल आ रही थी।
यहाँ तक कि वो लाइट गिराना या फिर आवाजें निकालना, ये सब कुछ भी लिली रिमोट से कंट्रोल कर रही थी। और अब क्योंकि उसका सच सबके सामने बाहर आ चुका था, तो वो सभी के सामने ये सब करने की वजह बताती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ गांव से बदला लेने और उसका करियर खराब करने के लिए कर रही थी। क्योंकि जब वो पहली बार उस कैंपस में आई थी तो उसने उसे काफी अच्छे से ट्रीट किया था और वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए थे, पर गांव ने उसे चीट किया और दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, जिसकी वजह से बदला लेने के लिए लिली ने भी एक क्लब ज्वाइन किया ताकि वो सभी लोगों को यहाँ पर हॉन्ट करे और गांव से भी अपना बदला ले ले। साथ ही साथ वो सभी को ये भी बताती है कि उसने उस दिन बिल्डिंग में गांव के ऊपर पत्थर फेंक कर हमला किया था और अपने फ्रेंड को बेहोश करके वो भी वहीं पर बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि उसका सच किसी के भी सामने ना आए और सबको लगे कि ये सब कुछ डूहा का घोष्ट कर रहा है। अब लिली के जाने के बाद सब लोग भी वहां से चले जाते हैं और सूफी चैंग से कहती है कि आखिरकार सब कुछ सॉल्व हो ही गया, यानी कि वहां पर कोई भी घोष नहीं था और ये सब सिर्फ उनका वहम था। अगले दिन चैंग शेन से मिलने के लिए जाता है और उसे भी सारा सच बता देता है ताकि वो ट्रॉमा से बाहर आ सके। लेकिन जब वो वापस से अपने घर लौट रहा था तो उसे सूफी का फोन आता है। वो उसे डरते हुए अपनी मदद के लिए बिल्डिंग में आने के लिए बुलाती है, इसीलिए चैंग जल्दी से वहां पर पहुंचता है और देखता है कि किसी ने बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी कैंडल्स लगा रखी थी। कोई वहां पर बैठकर किसी तरीके का रिचुअल कर रहा था। जैसे ही चैंग उसके पास जाकर देखता है तो उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब जब चैंग होश में आता है तो देखता है कि उसे किसी ने बंदी बना रखा था, जहाँ से किसी तरीके से वो खुद को फ्री करके भागता है। पर तभी वहाँ पर काले कपड़े पहनकर वो इंसान आ जाता है जिसने चैंग को पकड़ा हुआ था। और जब चैंग उस पर्सन का फेस देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सूफी थी। वो सूफी से पूछता है कि उसने भला ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि शेन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर शेन से पहले सूफी दुहाओ को पसंद करती थी, लेकिन दुहाओ ने शेन को चुना, लेकिन फिर भी वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी। और जब उसे पता चला कि जिस दिन दुहाओ की मौत हुई थी उस दिन चैंग उसे गिरने से बचा सकता था, तो उसने चैंग से बदला लेने और उसे भी मार डालने का प्लान बनाया ताकि वो दुहाओ के साथ जस्टिस कर सके। इसीलिए उसने लिली का फायदा उठाया और उसे भी अपने प्लान के अंदर शामिल किया। पर जब सूफी चैंग पर हमला करने लगती है तो वो खुद ही ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिर जाती है, जहाँ चैंग सही वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि उस वक्त वो दुहाओ को नहीं बचा पाया था। पर अपनी गलती सुधारने के लिए वो सूफी को गिरने से बचा लेता है, जो चीज देखकर अब सूफी भी अपना डिसीजन बदल लेती है और चैंग को नहीं मारती, क्योंकि उसे भी रियलाइज हो गया था कि चैंग एक बुरा इंसान नहीं है और उसने उस वक्त वो चीज जानबूझकर नहीं की थी। इसलिए अब इन लोगों की प्रॉब्लम भी एकदम सॉल्व हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।